सभी मित्रों को नमस्कार। साथियों, यह एक बेहद खास कड़ी है और कल की कड़ी के साथ जुड़ी हुई कड़ी है। इसमें जिस तरह का यात्रा विवरण कल हमने नासरा जी से सुना, उसी का दूसरा हिस्सा सुनेंगे, उसी का एक और अध्याय। और इन दोनों कड़ियों का अपना एक खास महत्व है, तभी इन दोनों को एक के बाद एक रखने की योजना बनाई गई है। आप जानते हैं कि परसों नासरा शर्मा जी का जन्मदिन रहा और उस अवसर पर ये दो खास कड़ियां तैयार की गई हैं। आप सभी भावुक और सहृदय पाठकों के लिए। तो मित्रों, चूंकि यह कार्यक्रम, यह योजना उनके जन्मदिन पर बनी, तो क्यों नहीं एक रचनाकार की यात्रा को भी हम एक साथ जानते समझते चलें, कुछ खास तस्वीरों के माध्यम से। नासरा शर्मा जी की एक कुछ खास तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनका जन्म सन 1948 में इलाहाबाद में हुआ। फारसी भाषा और साहित्य में एमए नासरा जी का जो अपना अधिकार है, वह हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, पश्तो एवं फारसी भाषाओं पर है। ईरान और अफगानिस्तान के समाज और वहां की राजनीति पर इन्होंने खूब लिखा। उनके रिपोर्टाज से भी हम परिचित हैं और जो वहां के भीतर की मुलायमियत है, जो सकारात्मक पक्ष है, उन पर भी उनकी लेखनी चली। तब उनकी कलम से कई कहानियां और उपन्यास बाहर आए। इसी तरह ईरानी बुद्धिजीवियों के साथ उनके कई साक्षात्कार से हम परिचित हैं, जिनकी काफी चर्चा हुई। और जो ईरान के युद्धबंदी रहे, उन पर जर्मन और फ्रांसीसी दूरदर्शन के लिए बनाई गई फिल्मों में भी खास योगदान रहा। एक तरफ साहित्यिक लेखन और दूसरी तरफ पत्रकारिता, इन दोनों ही फील्ड्स में सक्रिय नासरा जी के कुछ खास चित्र हैं, जो इस अवसर पर हम स्क्रीन पर रख रहे हैं। इससे एक रचनाकार की जो अपनी निजी यात्रा है, वह भी हमारे समक्ष खुलती है। और उस निजता में किस तरह समाज के लिए, देश के लिए, साहित्य के लिए जो जद्दोजहद है, हम उसको भी देख पाते हैं। और जो यह आप किताब देख रहे हैं मित्रों, यादों के गलियारे से, इसी में संकलित कल के अध्याय को आपने सुना, और आज यह जो दूसरा अध्याय है, वह भी इसी पुस्तक में संकलित है। ख्वाबिस्तान में गुजारा एक दिन, जो बात हमने कल की थी, आज उसी बातचीत को कुछ आगे बढ़ाते हैं, उसी को किसी और रूप में कहने की कोशिश करते हैं और फिर अपने प्यारे साहित्यकार को सुनेंगे। यह जो अध्याय है, जो आज नासरा जी हम सभी के बीच पढ़ेंगी, उसका एक शुरू का हिस्सा पढ़ता हूं और अपनी बात रखता हूं। वे लिखती हैं, ख्वाबिस्तान का वीजा बड़ी आसानी से मिल गया। गौर कीजिएगा, ख्वाबिस्तान, यह देश जो दुनिया के पॉलिटिकल मैप पर बेशक कहीं नहीं हो, मगर रचनाकार के दिल के भीतर बहुत गहरे बसा हुआ है।
फिर से पढ़ता हूं। ख्वाबिस्तान का वीजा बड़ी आसानी से मिल गया। सुना छोटा सा मुल्क है और एक दिन में घूमा जा सकता है। सुबह पहुंचो और शाम की उड़ान से अपने घर लौट आओ। मैंने बैग में जरूरी सामान के साथ नोटबुक और कैमरा डाला और एयरपोर्ट की तरफ निकल गई। अब जो हमने बात की थी साहित्य और पत्रकारिता की, वह भी आप यहां देख रहे हैं। कैमरा भी है, नोटबुक भी है। जो चीजें रचनाकार पत्रकार देखेगा उसे कहीं ना कहीं दृश्यों में कैद भी करेगा और उन दृश्यों को अपने शब्दों में ढालने की कोशिश भी करेगा। नासरा शर्मा जी यह कोशिश लगातार करती जा रही है। मित्रों, कल का पीस हो चाहे आज पढ़े जाने वाले अंश हो, हम देखते हैं कि यहां किस तरह रचनाकार की मानसिक दुनिया सक्रिय है। एक ऐसी दुनिया, एक ऐसा देश या उसकी संकल्पना जहां वह अपनी मर्जी से जा सकता है, ठहर सकता है, जहां से लौट सकता है अपने मूल वतन को या किसी और देश को, किसी और वतन को। अब बल तो किसी रचनाकार को अगर देखें तो किसी पॉलिटिकल जो बाउंड्री होती है और उसकी जो औपचारिकताएं होती हैं उससे ही उसे कोफ्त होती है। मगर जब ख्वाब में यात्रा की जा रही हो और ऐसी यात्रा की जा रही हो और नासिरा शर्मा जैसा संवेदनशील मन उस यात्रा को कर रहा हो, तो निश्चय ही अगर औपचारिकताओं की जरूरत है, उसकी कुछ बाध्यता भी है, तो इतना भर ही कि वीजा जल्दी से मिल जाए। तो आइए हम नासरा जी के पास चलते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे अपने इस बेहद दिलचस्प संस्मरण को हमारे साथ साझा करें। मगर उसके पूर्व एक और बात यहां पर रख दूं कि जब साथियों हम में से कई लोग इस तरह की कल्पना परक यात्राएं करते हैं और उसे दर्ज भी करते हैं, स्वप्न की अपनी एक भरी पूरी दुनिया है और साहित्य में उसकी कैसी विशिष्ट जगह है इसे भी हम जानते हैं। जादुई यथार्थवाद जो टर्म चला साहित्यिक आलोचना में, वह भी कहीं न कहीं इसके आसपास मंडराती हुई संकल्पना है। तो मुझे यह लगता है कि जब कोई व्यक्ति कल्पना में यात्रा करता है तो उसके पीछे भी एक सुचिंतित परिकल्पना होती है। उसमें यथार्थ के बरक्स प्रति यथार्थ रचने की कोशिश होती है। ऐसी ही कोशिश आज के हम इस गद्य में भी पाएंगे। और मित्रों, जो आपने कल भी महसूस किया और जो आप आज भी महसूस करेंगे, कैसे इसमें चोटिल मनुष्यता के देहात्म पर उभरे हुए ऐसे कई कई निशान हैं जो इन दशकों के हमारे खुरदुरे यथार्थ हैं, जिनसे मनुष्यता बच सकती थी। रक्त रंजित होने से वे अध्याय बच सकते थे, मगर जो नहीं संभव हुए, हमारे ही भीतर की क्रूरता, हमारे ही भीतर की पशुता कहीं न कहीं हमें ही चोटिल करती रही, हमें ही आघात पहुंचाती रही। एक साहित्यकार के रूप में हम इतना ही कह सकते हैं, ये घाव काश न होते। मगर नासरा जी के भीतर का पत्रकार सिर्फ साहित्यकार की बात नहीं सुनता है, वह यह भी जानता है और बड़े करीने से जानता है कि ये ऐसे घाव हैं
जिनकी टीस से विश्व का एक बड़ा हिस्सा कराहता रहा है और जिन कुछ एक खास हिस्सों में वे स्वयं जाती रही हैं, आती रही हैं, और जहां के दोनों ही रंग उन्होंने देखे हैं, आबादी के भी बर्बादी के भी। तो आइए इस यात्रा में हम उनके साथ हो लेते हैं और उनका स्वागत करते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत नाशा शर्मा जी, स्वागत। जी नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया अर्पण कि आपने दोबारा मौका दिया, क्योंकि जिंदगी के दो हिस्से रहते हैं, एक अंधेरा और एक उजाला। तो कल हम लोगों ने वो पक्ष देखा जिसमें ना उम्मीदी थी। अरे वो कुछ और है। जी ना आवाज आ उम्मीदी रही थी। है, आवाज जी आवाज आ रही है। जी आ रही है, जी आ रही है। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये था कि ये दूसरा पक्ष है जिसमें जिंदगी की उम्मीद है और जिंदगी कैसी होनी चाहिए ये आशा भी है। तो आपकी इजाजत हो तो फिर मैं शुरू करूं, और शुरू करने से पहले मैं अपने सुनने वालों को कहूंगी कि आप हमारे साथ रहें, और मेरा प्यार और आदर हमेशा आप लोगों के साथ है, क्योंकि आपसे ही हम हैं। तो मैं शुरू करती स्वागत। हूँ। और मैं जी स्वागत, मैं मित्रों से अनुरोध कर लूं कि अगर उनके मन में कोई प्रश्न हो तो वे बेहिचक पूछें। ऐसे कम मौके आते हैं जब हमारा साहित्यकार हमारे साथ इस रूप में, इस सहजता के साथ मौजूद हो। तो जो भी प्रश्न आज के इस पढ़े जाने वाले गद्य को लेकर, नासरा जी की रचनात्मक यात्रा को लेकर आप पूछना चाहें तो जरूर यहां स्क्रीन पर रखें। कार्यक्रम के अंत में हम उन सवालों के साथ नासरा जी के पास चलेंगे। फिलहाल यह संस्मरण सुनते हैं। जी जी खोबिस्तान में गुजारा एक दिन। खोबिस्तान का वीजा बड़ी आसानी से मिल गया। सुना छोटा सा मुल्क है और एक दिन में घुमा जा सकता है। सुबह पहुंचो और शाम को उड़ान से अपने घर लौट आओ। मैंने बैग में जरूरी सामान के साथ नोटबुक और कैमरा डाला और एयरपोर्ट की तरफ निकल गई। हवाई जहाज की कुर्सियां कुछ ज्यादा ही आरामदेह और गुशादा थी। एयर होस्टेस ने लाइफ बेल्ट का प्रदर्शन खत्म कर बताया कि उड़ान का समय केवल 6 घंटे का है। शरबत और मेवे के पैकेट यात्रियों को थमा दिए गए थे। सामने सफेद स्क्रीन पर फिल्म शुरू हो गई। मैंने शरबत का घूंट भरकर नीचे ताका। खिड़की से दिखती दिल्ली सोई नहीं थी। फैले अंधेरे में पीले सफेद कुमकुमे जगमगा रहे थे। कुछ मुसाफिर न फिल्म देखने में और न ही शरबत के घूंट भरने में दिलचस्पी रखते थे, सो वो आंखें बंद कर पड़े हुए थे। जब हमारा जहाज खोबिस्तान के नजदीक पहुंचा तो मैंने उत्सुकतावश खिड़की से नीचे झांका। नीचे सिर्फ पेड़ और नदी नजर आई। तभी ऐलान हुआ कि हमें खेद है कि हम हवाई पट्टी पर रात की मूसलाधार बारिश के लतरों व बेलों के बीच जाने से उतर नहीं सकते हैं। सफाई जारी है। पूछने पर पता चला कि वहां बेलें एक एक करके उठाई जाएंगी, उन्हें काट छांट कर कूड़े की तरह समेटा नहीं जाएगा, सो देर लगेगी। जहाज आकाश पर चक्कर लगाता रहा। दिल्ली लौट नहीं सकता था। हमको आसमान की बदलती कैफियत का नजारा दिखाने लगा। महसूस हुआ जैसे नारंगी शरबत का बड़ा सा जग फूटकर पूरी वादी में फैल गया हो। सूरज का माथा किसी शरारती बच्चे की तरह क्षितिज की दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। एयरपोर्ट से निकलकर मैंने टूरिस्ट टैक्सी सारे दिन के लिए कर ली। एयरपोर्ट के नजदीक हसरत बाग था। ड्राइवर ने पहले वहीं चलने की बात की और मैं सड़क और यातायात में खो गई। हसरत बाग पहुंचकर मुझे लगा कि मैं जंगल बुक फिल्म देख रही हूँ। बहुत रोकने पर भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। मीलों तक फैला बाग तरह तरह के पेड़ों से भरा था।
जिनकी डालों पर लंगूर और बंदर के बच्चे मस्त हो झूला झूल रहे थे। जवान बंदर व लंगूर पके फूल और फल तोड़ वहां खेलते बच्चों को बांट रहे थे। बच्चे फल खाते हरी हरी घास पर जानवरों के बच्चों के साथ लौट रहे थे। बूढ़ी बंदरियाएं अपने नवासों पोतों के सर से जुएं निकाल रही थीं और वे उनके चंगुल से निकलने के लिए बिलबिला रहे थे। जानवर और इंसान के बीच ये प्यार देख मैं भूल गई कि शिकारियों की बंदूकों और बहेलियों के जाल और कस्साबों की चमचमाती छुरियों को पूरे बाग में रंग बिरंगे परिंदे चहचहा रहे थे। बच्चों और बंदरों के फेंके फलों के टुकड़ों को अपनी नुकीली चोंच से कुतर रहे थे। पूरा माहौल खुशी से शराबोर था। मैंने बैग से कैमरा निकाला और एक के बाद एक तस्वीरें उतारने लगी। एकाएक बड़ा सा बंदर मेरी तरफ पेड़ की डाल से उछला। मैंने झट कैमरा कमर के पीछे किया और खौफ से उसे ताका, मगर वो पंजा मारने की जगह मुझे एक सेब थमाकर पेड़ की डाल पर बैठ मुझे दांत दिखाने लगा। मैं भी अपने भय को भगा, हंसी और मेरे हंसते ही डालों पर चढ़े सारे बंदर और लंगूर ताली बजा बजा कर हंसने लगे। हसरत बाग से निकलकर ख्वाहिशों के जंगल की तरफ हम चल पड़े। इतने तनावर और हरे भरे दरख्त मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे थे। वहां कुछ जाने और कुछ अनजाने पेड़ थे। जंगल में पेड़ों के बीच में घूमते हुए एहसास हो रहा था कि दुनिया के सारे पेड़ संयुक्त परिवार की तरह गले में बाहें डाले यहाँ एक साथ रह रहे हैं। कुछ दूर चलकर पहाड़ी मिली जिससे सफेद पानी झरने की तरह गिरकर तालाब की शक्ल ले रहा था, जिसके चारों तरफ से सारे चौपाए खड़े पानी पी रहे थे, जिनकी जातियों को लुप्त हुए वर्षों गुजर गए थे। एक बसंत मन में फूटा कि ये जिंदा है, मौजूद है। मैं उनकी तस्वीर उतारते उतारते एक चट्टान पर बैठ, नीले आसमान पर परिंदे जिन्हें मैंने हसरत बाग में भी नहीं देखा था वो डैने फैलाए ताजा हवा का सेवन कर रहे थे। मन में ख्याल उभरा कि कहीं और न जाकर मैंने कितना अच्छा किया कि ख्वाबिस्तान की तरफ चली आई। उन सब से मुलाकात हो गई इन ख्वाहिशों के जंगल में जो दुनिया के वनों से गायब हो चुके हैं, जिनका जिक्र केवल पुस्तकों या स्केच द्वारा डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में देख पाते हैं। मैंने धन्यवाद भरी नजरों से ड्राइवर को देखा जो अजीब और गरीब जानवर के छोटे से बच्चे को गोद में उठाए उसका माथा चूम रहा था। मैं अपने को रोक नहीं पाई और आगे बढ़कर मैंने उस छौने को इंसानी बच्चे की तरह गोद में दुलारा। ये गदबदा, मुलायम और गुलगुला था। उसने मुंह उठाकर मेरी तरफ देखा, फिर अपनी थूतनी मेरे चेहरे की तरफ कर मुझे प्यार किया, ममता से दिल भराया। तभी जंगल में सीटी गूंजी और वो छोना मेरी गोद से कूद अपने नन्हे नन्हे पांव से दौड़ता बाकी जानवरों के साथ दूर बनी इमारत की तरफ भागा। ये इनका चेकअप टाइम है, डॉक्टर की सीटी है, ड्राइवर ने कहा और गिरते झरने का पानी चुल्लों में भर भर कर पीने लगा। प्यास मुझे भी लगी थी। बैग चट्टान पर रख मैं झरने की तरफ बढ़ी और ठंडे पानी से जी भर कर मुंह हाथ पैर धोए। तालाब में रंगीन नन्ही नन्ही मछलियां मचल रही थी। मैं कुछ देर वहीं खड़े खड़े प्रकृति के सौंदर्य को निहारने लगी। दिल चाह रहा था कि मैं मछली बन जाऊं और हरी काई के मखमली बिस्तर पर लेट जाऊं। चलिए अभी हमको दूर जाना है, कहता ड्राइवर आगे बढ़ा। चौंक कर मैंने उसकी पीठ ताकी और बैग कंधे पर डाल उसके पीछे हो ली। अब मेरी नजरों के सामने नीले रंग की पहाड़ियों का सिलसिला था। धूप और धुएं ने एक झीना पर्दा उन पर डाल रखा था। पर्वत के नीचे घरों का सिलसिला किसी हार की तरह गोलाइयों से बिखरा था। ड्राइवर ने संकेत में गर्दन उठाई और बताया ये इच्छा पर्वत है। पूरा शहर इनके कदमों पर बसा है। जाड़े में छोटी चोटी पर बर्फ जम जाती है जो गर्मी में पिघल छोटी छोटी पहाड़ियों और पहाड़ी नदियों में बट बस्ती वालों को पीने का पानी देती है। अगर आप कहें तो बस्ती का एक चक्कर लगा लेते हैं।
आप यहाँ का मशहूर अस्पताल देख सकती हैं। वैसे तो ये आर्मी हॉस्पिटल है, मगर सभी का इलाज यहाँ होता है। कार कैंट एरिया में दाखिल हो गई। मुझे ताज्जुब हुआ कि बिना इजाजत के सिविलियंस वहाँ जा रहे हैं। चेहरे पर फैली हैरत को देखकर ड्राइवर मुस्कुराया। आपके देश में ऐसा नहीं होता है ना? वहाँ तो देश सीमा पर ही नहीं, सीमावर्ती प्रांतों तक की सीमा सुरक्षा पुलिस व फौज पड़ी रहती है। मगर हमारे मुल्क की मुस्तैद आर्मी ऐसी नहीं है। मुस्तैद दस्ता हर समय चौकन्ना रहता है, देश हो या पड़ोसी मुल्क। वो सबके प्रति मानवीय भाव रखते हैं। संकट पड़ता है या गलतफहमी होती है तो उस समय तलवार नहीं खींचते, न बंदूक चलाते हैं, न बम फोड़ते हैं, बल्कि संवाद से मामला हल कर लेते हैं। आपको ताज्जुब होगा कि हमारे वहाँ अभी तक कोई जंग नहीं लड़ी गई है। दूसरे सबसे कम बजट आर्मी का है, क्योंकि आर्मी केवल समस्या को हल करने के लिए है, सो उनकी तादाद बहुत कम है। उसकी बातें मुझे बड़ी दिलचस्प लग रही थी और मैं सोच रही थी कि बातें पर्यटन विभाग वाले नहीं बताते हैं, ना अभी तक कोई लेखी मैंने इस मुल्क के बारे में पढ़ा है कि मैं जान सकती। बस खराब खबरें हमको दी जाती हैं। उम्मीद अस्पताल आ चुका था। कुछ बूढ़े छड़ी लेकर टहल रहे थे। कार के रुकते ही मैंने जो उतरी, चारों तरफ फूलों की क्यारियों में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। ना चाहते हुए भी मैं अस्पताल में दाखिल हुई। बाई तरफ के वार्ड की तरफ बढ़ी। वहां पर मरीज बेचैनी से तड़प रहा था, जिनके बदन पर बड़े बड़े पानी से भरे छाले थे। देखकर रोंगटे खड़े हो गए। उनका रोना और बिलखना देख मेरी आंखें भी भर आईं। पास पड़ी नर्स से मैंने पूछा, ये सब कैसे हुआ? अंदर के दुख फूटे हैं। वो सारे मरीज ऐसी दुनिया से आए हैं जिनके रिश्तेदारों ने उन्हें मानसिक और हार्दिक दुख दिए। हम उन पर हमदर्दी का फाया लगा रहे हैं, मगर समय लगेगा, तब तक तो इन्हें दर्द सहना ही पड़ेगा। नर्स की डबडबाई आंखों से कहा और एक जवान औरत को संभालने में लग गई। दूसरी नर्स एक बूढ़ी औरत के शिकन से भरे चेहरे को साफ कर रही थी। पास ही खड़ा डॉक्टर एक बूढ़े के छालों का मुआयना कर रहा था। तभी स्ट्रेचर पर तड़पता एक 5 वर्ष का बच्चा छालों से भरा आया। वार्ड बॉय उसे संभाल रहे थे। ये दृश्य इतना दर्दनाक था कि मुझे वहां खड़ा रहना असंभव लगा। तेज कदम बढ़ाती मैं टैक्सी की तरफ बढ़ी, जहां ड्राइवर अपनी टैक्सी के शीशे को चमकाता हुआ सीटी बजा रहा था। अब आपको वहां लेकर चलता हूँ जहां पहुंचकर आपके मन पर छाया कसलापन दूर हो जाएगा। टैक्सी ड्राइवर ने मेरा उदास परेशान चेहरा देखकर कहा, मगर मैं कुछ ना कह सकी। इस समय मेरे सामने अपने और दूसरे मुल्कों के जाने कितने दृश्य कौन रहे थे, जिनमें घरेलू लड़ाई से लेकर जंग तक के घाव उभर कर मुझे मुंह चिढ़ा रहे थे। मन भरा भरा सा हो रहा था। लग रहा था कि अकेले में कुछ देर फूट फूट कर रो लूं। आप इस तरह भी सोच कर खुश हो सकती हैं कि कहीं तो भावना को ठेस लगने का इलाज होता है। ड्राइवर हंसा। उसने ये बात कुछ इस अंदाज से कही कि मैं मुस्कुराए बिना ना रह सकी। आप इस तरह भी सोचकर खुश हो सकती हैं कि कहीं तो भावना को ठेस लगने का इलाज होता है, उसने दोबारा कहा। चलिए अब आपको मैं सब्ज खेत और सब्जी मंडी दिखाता हूँ। हमारे यहाँ अभी भी गोबर खाद का इस्तेमाल होता है। हम एक साल में 4 फसल के पक्षधर नहीं, न फूलों को केमिकल से जल पका बाजार में इंसानों की सेहत की कीमत पर जेबें भरते हैं। इतना कहकर चुप हो गया। उसकी सीटी बजाने की धीमी आवाज मेरे कानों में आ रही थी। एकाएक नीले आसमान के साथ हरी पट्टी नजर आई जो टैक्सी और टैक्सी ज्यों ज्यों आगे बढ़ती गई चमकीले शादाब पत्तों से भरे खेत करीब आते चले गए। नाक में ताजा महक वनस्पति की जात दिमाग में हलचल सी मचाने लगी, जैसे वो उसे जमे हुए हिस्सों में अपनी जगह बना रही हो। अजीब सी सरसराहट त्वचा में महसूस होने लगी। दिल व दिमाग हल्का हो गया। बदन में स्फूर्ति सी दौड़ने लगी।
हरे पत्तों से झांकते बैगन, लाल टमाटर, पीली गोभी अजीब समा बांधे हुए थे। फूलों की क्यारियां मीलों तक इंद्रधनुष सा बनाती आसमान चूम रही थी। ऐसा सौंदर्य पहले कभी देखा नहीं, सो नजरें टिकटिकी लगाए सब्जाजार पर टिक गई थी। खेत के चारों तरफ घूमती पुलिस पोस्ट पर खत्म होती है। उसके बाद शहर का दूसरा हिस्सा जो पुराना है वो शुरू हो जाता है। आप कार में बैठिए, मैं ले चलता हूँ। इतना कह उसने झुककर जमीन से कुछ उखाड़ा और उसका गुलदस्ता बना मेरी तरफ बढ़ाया। उसे मैंने सूंघा, पूरा दिमाग मत्तर हो उठा। वो हरा धनिया और पुदीना था। उसे सूंघती मैं अपने दोनों तरफ फैले खेत देख रही थी। इतना हरा रंग मैंने पहली बार मीलों तक फैला देखा था, जिसमें तरह तरह के शेड थे जो किसी लय की तरह गुनगुनाते से महसूस हो रहे थे। कार बहुत धीमी गति से, या फिर कहना चाहिए कि रेंगती हुई खेतों के बीच से निकली मांग जैसी पगडंडी पर होती गुजर रही थी। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि इस मुल्क का नाम खौबिस्तान क्यों पड़ा। सामने कुछ पक्के मकान दिखे जो सलीके और सफाई में कलाकारों के घर नजर आ रहे थे। मैंने उत्सुकता से उन्हें ताका, जहाँ छोटे से बगीचे के सामने मोटरसाइकिल कार भी खड़ी थी। खेत जब खत्म हो रहे थे, अब कथई जमीन का टुकड़ा अपनी सख्ती के साथ नजर आ रहा था। ड्राइवर ने कार मोड़ी और लैंप पोस्ट के पास खड़ी करके बोला, ये हमारे किसानों के मकान हैं जो हमको अन्न देते हैं, हमारे अन्नदाता। इतना कहकर हंसा और मैंने ताज्जुब से उन मकानों को देखा। मेरे दिमाग में किसानों की झोपड़ियां, कर्ज, आत्महत्या और बंधुआ मजदूर का दयनीय चेहरा उभरा, असली दुनिया का यथार्थवादी चेहरा। मैंने मुस्कुराकर उन मकानों को देखा जहाँ स्कूल से लौटते बच्चे अपने घरों में दाखिल हो रहे थे और संकेत दे रहे थे कि यहाँ बाल मजदूर नहीं है। मन में संतोष उभरा कि चलो कहीं तो ये बच्चे मुक्त हो अपना बचपन जी रहे हैं। लगता है कार का इंजन गर्म हो गया। पास में हमदर्द पुलिस पोस्ट है, वहां तक चलते हैं, कार का इंजन वहीं दिखा लेंगे, कहकर ड्राइवर ने कार स्टार्ट की और दहली तरफ मोड़ एक बड़ी बिल्डिंग के सामने जाकर रोक दी। आप फ्रेश हो लें, मैं तब तक किसी मैकेनिक से चेक करवाता हूँ, ड्राइवर ने कहा और सामने नीले दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैंने इधर उधर देखा, पुलिस की वर्दी में कोई भी नजर नहीं आया। कुछ चेहरे सादे कपड़ों में टहलते दिखे, जिनके चेहरे नर्म और गंभीर थे। आंखों में दोस्ताना चमक और चाल ढाल में शराफत थी। शायद वो मेरी तरह ही किसी मदद के लिए आए हों। सोच कर मैं उस दरवाजे की तरफ बढ़ी जिसके ऊपर पाउडर रूम लिखा था। मैंने सुबह के नाश्ते के बाद अभी तक कुछ खाया नहीं था। भूख जोरों पे लग रही थी। अंदर कमरे में दो शानदार पलंग थे, सोफा, टीवी और कुछ किताबें थी। मैं बाथरूम में से जब निकली तो देखा मेज पर चाय की केतली के साथ ऑमलेट और कुरकुरे टोस्ट रखे थे। बहुत शानदार, यहाँ तो बस यही मिलता है। सादे कपड़ों में एक जवान खड़ा था, बहुत शानदार, इसके बाद और क्या चाहिए, मैंने कहा और प्याली में चाय उंडेली और मन ही मन सोचा, ये ड्राइवर काफी पहुंचा हुआ लगता है जिसकी खातिर पुलिस पोस्ट कर रही है। मैडम, चाय पीकर आप हमारे सर से मिलने चलेंगी, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, इतना कहकर वो चला गया। चाय पीकर जब मैं बाहर निकली तो ड्राइवर तैयार खड़ा था। पास के कमरे में बैठे अफसर के पास गई तो वहां लिखा था आरसी वाना, पुलिस कमिश्नर। मैंने चौंक कर देखा, बरबस मेरे मुंह से निकला, आप यहाँ क्या वर्दी जरूरी नहीं होती है? वर्दी? मैंने समझा कि आप किसके बारे में बात कर रही हैं। हमें बहुत खुशी हुई कि आप हमारे देश पधारी, किसी किस्म की कोई मदद चाहिए तो बिना झिझक गए हम आपके हमदर्द हैं, कुछ और घूमना हो तो उसका इंतजाम करते हैं। अब तो मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, आपके इस व्यवहार को मैं हमेशा याद रखूंगी, अब इजाजत दें, कहकर मैं उठी और मुझे लगा कि यह अजूबा मुल्क है,
जहां की पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड से भी ज्यादा चुस्त, सौभ्य और विनम्र है। पता नहीं यहाँ किस किस्म के अपराध होते होंगे। अपने यहाँ तो आधे अपराधों में स्वयं पुलिस ही साझेदारी होती है, चाहे वो चोरी हो या फसाद, बलात्कार हो या हत्या। तभी सामने से एक आदमी को दोनों बाजुओं से पकड़े दो सादे लिबास वाले घसीटते हुए लाए। मैं कमरे के दरवाजे पर रुक गई। सर सुबह की परवाज से उतरा है और मन घुन्ना है। आते ही ये शहर की भीड़ में गुम हो गया था। ऊपर से हमें रिश्वत दे रहा था, एक सादा वेशधारी बोला, ओह तुम जानते हो कि हमारे देश में मन घुन्नों के घुसने पर रोक है, तुम अपराधी हो। जो आदमी दूसरे आदमी से दिल खोल कर बातें ना करें, हंसे बोले ना, वो कितना खतरनाक हो सकता है। हमने अपना मुल्क इस तरह के लोगों से पाक कर दिया है। सो तुम्हें अब उड़ान से नहीं ट्रेन से भेजा जाएगा। ट्रेन का रास्ता आगे जाकर जंगल, रेगिस्तान और दलदल से भरा है, जहां तुम्हें अपनी मदद के लिए दूसरों को पुकारना पड़ेगा। जब तक तुम खुलकर बोलोगे नहीं, तब तक वहां कोई मदद नहीं करेगा। कमिश्नर ने त्योरी पर बल डालकर कहा, हम सिर्फ इंसान को पहचानते हैं, उसकी पदवी या समाज में उसकी धन दौलत से फैलाए आतंक को नहीं। इसको स्टेशन पर छोड़कर आओ, इन नोटों को इसकी जेब में ठूंस दो। कमिश्नर ने नफरत से कहा, फिर हंसा, वहां ये वार्तालाप ना सही, विलाप कर अपने मन तो खाली करेगा, नया अनुभव होगा, सुधर जाएगा। मैंने मन में पड़ी गुत्थी सुलझ गई कि वे अपराध जो हम एक दूसरे के साथ अपने व्यवहार द्वारा करते हैं, उसकी गणना तो होती नहीं, मगर इंसान को उससे मानसिक और भावनात्मक कितना दुख पहुंचता है, इसका अंदाजा केवल भुगतने वाला लगा सकता है। मेरे पास यदि वापसी का टिकट और केवल एक दिन का वीजा न होता, तो मैं कुछ दिन रुक कर इस मुल्क में अपराधों का अध्ययन करती, मगर चलो फिर अगली दफा, सोच कर मैं बाहर निकली। मैडम, एयरपोर्ट के रास्ते में काशाने मोहब्बत पड़ेगा, उसे देखते चलते हैं। ठीक है, मैंने अपना हरा गुलदस्ता नाक में लगाया और सांस खींची। तरावट में अजीब ताजगी पोर पोर में भर दी। कार इमारतों के बीच से निकलती हुई अब तन्हा रास्ते की तरफ जा रही थी, जिसके चारों तरफ चेरी के पेड़ थे, जिनमें बेतहाशा चेरियां लगी हुई थी। कार एक सफेद इमारत के सामने जाकर रुक गई। ड्राइवर ने नीचे उतरकर दरवाजे पर खड़े अर्दली से कुछ पूछा कि मेरी तरह मुड़कर कहा, मैडम आइए, इबादत शुरू हो चुकी है, आप भी शामिल हो लें। एकाएक मैं समझ नहीं पाई कि ये मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या गुरुद्वारा है या फिर। अंदर जाकर मैं सन्नाटे में आ गई। इस दृश्य को मैंने कल्पना ही नहीं की थी। मेरा रास्ता रोके दो लोग खड़े थे जो मुझसे पूछ रहे थे, क्या आपने मोहब्बत की है? यहाँ सिर्फ मोहब्बत करने वाले ही दाखिल हो पाते हैं। मैंने हल्के से गर्दन हिलाई तो उन्होंने मुस्कुराकर कमरे की तरफ इशारा किया। मैं अंदर दाखिल हुई तो वहां बैठे व्यक्ति ने धीरे से मुझसे कहा, स्वागतम, आप ये सवाल भर दें ताकि इबादत शुरू होने से पहले आप वहां अपनी जगह ले सकें। जी, मैंने हैरत से उसका चेहरा ताका और छपे सवालों पर नजर डाली, जिनमें पहला सवाल वही था जो बाहर पूछा गया था। फिर दूसरा सवाल था कि आप में से कौन बेवफा निकला, कितने वर्ष पहले घटना घटी। इस तरह के व्यक्तिगत सवालों का जवाब तो मैं अपने खुद को देते हुए झिझकती रही हूँ, और अब यहाँ जवाब लिख देना है, वरना ना अंदर जा सकती हूँ ना बाहर निकल सकती। मजबूरी की कैफियत में पेन उठाती हूँ और सवाल के सामने कम से कम शब्दों में वो सच्चाई लिख डालती हूँ जो मैंने किसी से नहीं कही थी अब तक। बेबसी से पेन बंद करती हूँ और प्रश्न का पन्ना उनकी तरफ बढ़ाती हूँ। एक झुंझलाहट सी मन में उभरती है कि ये भी कैसा कानून है जो दूसरों के मन की बातें उगलवाने पर उतारू हो जाए। ओह, तो आपने एहसास को संभाला, ऐसे लोग हमारे इस काशाने में बहुत कम आते हैं जो बेवफाई नहीं करते और सारी जिंदगी से एहसास को किसी फूल की तरह संभाले हैं कि वो कहीं मुरझा ना जाए।
पहले वाले ने गंभीर स्वर में कहा, आप तो स्वयं अपने में एक दास्तान है। आपका स्थान सबसे अलग और सम्मान पूर्वक है। आप इस दरवाजे से आए, आप जैसे लोग हमारे यहाँ एक दो ही अब तक आए हैं, शायद उन्हें हीलिंग की जरूरत नहीं पड़ती। व्यक्ति ने आदर से सिर झुकाकर कहा, मुझे पूरा माहौल और उनकी बातें अजीब लग रही थी। लंबी राहदारी से गुजरते हुए मुझे लगातार ड्राइवर का ख्याल आता रहा और अनजान सा भय भी मुझे हवा की तरह छूकर गुजरता हुआ महसूस हुआ। सामने बड़ा हॉल था। स्टेज पर खड़ा एक व्यक्ति कुछ पढ़ रहा था। सामने बैठे हर उम्र के लोग जार वकतार रो रहे थे। उनके सामने मोमबत्तियां झिलमिला रही थी। अगरबत्तियों के जलते लाल सिरों से सफेद धुआं बलखाता छत की ओर जा रहा था। खुशबू और नमी से सारा माहौल रहस्यमय लग रहा था। मैंने खाली बेंच पर बैठने से पहले ड्राइवर की तरफ मुख कर देखा, जो मेरे पीछे सिर पर रुमाल बांधे चेहरे पर श्रद्धा का भाव लिए खड़ा था। ये सारे प्रेमी हैं जिन्होंने अपने साथियों से किसी न किसी रूप से बेवफाई की है और आधा रास्ता चल उन्हें छोड़ दिया है और अब किसी और से धोखा खा पछता रहे हैं। वे सब यहाँ विश्व की प्रेम कहानियां सुनाने आते हैं ताकि वे प्यार का असली अर्थ समझ सके और संबंध को अंत तक निभाना सीख लें। बहुतों के साथी आत्महत्या कर चुके हैं। वे आत्मग्लानी से आंसू बहा रहे हैं। कुछ के साथियों ने शादी कर ली है। कुछ अपना दुख भुलाने के चक्कर में बुरी तरह काम में व्यस्त हो मशीन बन चुके हैं। ये समस्या हमारे समय की सबसे बड़ी समस्या है, जब इंसान व्यापार और बाजार को छोड़िए प्रेम में भी ईमानदार नहीं रह गया। इतना कहकर ड्राइवर ने एक मोमबत्ती जलाई और मेरी तरफ देखा। मैंने नई मोमबत्ती उठा, उसके खामोश धागे में माचिस की जलती तीली लगा दी। धागा लौ बन गया और उसकी खामोशी टूटी। हम दोनों चलते हुए पीछे जाकर बैठ गए, जहां पढ़ने वाले की आवाज साफ सुनाई पड़ रही थी। मैंने तुम्हें बेपनाह चाहा, तो तुम्हारे साथ बाकी उम्र की गुजारना चाहता हूँ, ये मेरा अहद है। ये कहकर उसने अपना हाथ सारा की तरफ बढ़ाया और सारा ने अपना हाथ उसकी गर्म हथेली में दे दिया। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े गहरी नदी की तरफ बढ़ने लगे। उनके पीछे शोर मचाते लोग, मर्द औरत उन्हें मार डालने के लिए आगे बढ़ रहे थे। मोहब्बत किसी से डरती नहीं, वो अपना रास्ता खुद बनाती है। उसकी सच्चाई के आगे लोहा पिघल जाता है, पत्थर मोम हो जाता है और बहता पानी स्थिर हो जाता है। और वही हुआ। सारा और कुरुष उस गहरे नदी के पानी की सतह पर चलते हुए सामने के जंगल में खो गए और भीड़ की ढूंढती आंखें और चीखते गले नदी तट पर स्तंभित हो गए। किसी में तेज धारा की इस नदी को पार करने की ताकत न थी। सबने मोहब्बत के सच्चे रंग को देख और समझ लिया था। हॉल के मैले अंधेरे में दबी सिसकियों और आहों का जो सरगम किसी मध्यम संगीत के तरह बज रहा था, एकाएक साकित हो गया। मेरी आंखों के सामने इस बीच जाने कितने चेहरे आए और गुजर गए। हर बार इंसान ने इंसान को नहीं छला, कभी हालात ने तो कभी नियति ने चाहने के बावजूद दो दिलों को मिलने नहीं दिया। ऐसी भी दास्तानें होंगी और वो भी जरूर सुनाई जाती होंगी। मैंने भारी मन से सोचा और पढ़ने वाले की तरफ देखा, मगर मुझे उसकी पीठ दिखी, आंखें नहीं। पता नहीं उनमें पानी था या नहीं। काशाने दास्तां से निकल मैंने उन मायूस चेहरों को देखा जिन्होंने कभी मोहब्बत नहीं की थी, या फिर उनका दिल अकेले ही धड़का होगा किसी के लिए। मैं अपने सवालों में उलझी बाहर रोशनी में आई तो देखा ड्राइवर की आंखें सूजी थी, चेहरा धुला धुला सा था, जैसे बारिश के बाद धूल भरे पेड़ों का हो जाता है। मैंने टोकना मुनासिब नहीं समझा और कलाई घड़ी की तरफ देखा। टैक्सी तेजी से हम दोनों को बिठाए एयरपोर्ट की तरफ दौड़ रही थी। ड्राइवर की सीटी का मध्यम स्वर खामोश था। मैंने मुरझाए गुच्छे को नाक में लगा लंबा सांस खींचा। तरावट भरी खुशबू मेरे पूरे वजूद में फैल गई।
उसमें ताजगी अभी भी बाकी थी। जी मित्रों, उसमें ताजगी अभी भी बाकी थी। अब तमाम लोग जुड़े हुए हैं और मित्रों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, और जिस तरह से यह पूरा रोचक वृतांत हमारे सामने नासरा जी ने पढ़ा, वह भी कमाल का है, और स्वयं इन्होंने अपनी पुस्तक में इसे यात्रा संस्मरण में रखा है। मगर अगर रचनाकार इसे किसी विधा में न बांधे तो क्या हो? मुझे लगता है कि कई लोग इसे एक खूबसूरत कहानी भी कहना चाहेंगे। तो पहला प्रश्न तो मन में यही उपजता है नासरा जी, कि इसे क्या समझा जाए, कहानी या यात्रा संस्मरण? आप कुछ बताएं। इच्छाओं का ख्वाब कह सकते हैं। जी, कुछ और पहला वाला खोलें। यथार्थ था, पहला वाला यथार्थ था और अंधेरा था, और ये दिन है और उम्मीदों से भरपूर है कि जैसी जिंदगी हम चाहते हैं और जैसे इस दुनिया को देखना चाहते हैं। उसमें नफरत थी, उसने सब कुछ जलाकर खाक कर दिया था, और यहाँ मोहब्बत है, जहाँ पछतावे के बावजूद मोहब्बत की जो खुशबू है उसकी ताजगी अभी भी बरकरार है। तो ये लिखा तो मैंने बरसों पहले था, मेरे ख्याल से किताब का सन मुझे याद नहीं कि कभी आई थी, लेकिन मुझे लगता है कि मोहब्बत के साथ एक जिम्मेदारी और एक भाईचारा और एक बहुत कुछ जो हम महसूस कर रहे हैं आज के दौर में, उसकी बहुत ज़रूरत है, तभी ये ख्वाबिस्तान में हम रह सकते हैं, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है। फिर तो पहली वाली यात्रा जो हमने सुनाई है कि पूरी दुनिया एक खोपड़ी में बदल जाएगी, सब कुछ जल जाएगा, भस्म हो जाएगा। जी मित्रों, एक लेखक कैसे अपने इन दो टुकड़ों से अपनी पूरी बात कह जाता है? दोनों ही तरह की स्थितियों को हमारे सामने लेकर बखूबी आ जाता है, जो आज आपने महसूसा और हमारे साथ जुड़े रहे। कल की कड़ी इसलिए भी पहली कड़ी बनी क्योंकि वहां जिस तरह से दुख दर्द को बयान किया गया, और उसके बाद आज जब हम इस ख्वाबिस्तान की यात्रा में लेखक के साथ हो लेते हैं, तो ये दोनों ही पहलू हमारे ही जीवन के पहलू हैं। बेशक उसमें कल्पना है, और कल्पना के साथ वैकल्पिक व्यवस्था की ओर लेखक की अपनी हसरत है। मगर लेखक कोई समाज शास्त्री नहीं है। बेशक उसकी रचे में समाज शास्त्र गहरे पैवस्त हो, ऐसे में समाज शास्त्रीय गुणों को या उन वैकल्पिक व्यवस्थाओं को वह कैसे स्वप्न और हसरत के ताने बाने में हमारे साथ रखता है, यह भी आज देखने महसूसने की बात है। हमारे साथ आदरणीया मृदुला गर्ग जी जुड़ी हुई हैं, उनकी प्रतिक्रिया आ रही है। वे लिख रही हैं, मन खुश हो गया, कहने को कुछ नहीं है, इसे बस ख्वाब कह सकते हैं। विधा यथार्थ की होती है, इच्छा या ख्वाहिश की नहीं। जी बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी। नासरा जी कुछ कहना चाहें? बहुत बहुत विधा शुक्रिया मृदुला यथार्थ की जी, होती है, इच्छा या ख्वाहिश की नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मृदुला जी कि आपने इस वक्त, जबकि भतीजी जो है आईसीयू में है, और आपने मेरा प्रोग्राम सुना और पसंद किया, इससे बढ़ के और बहुत जरूरी था आपको ये सुनना, क्योंकि कल का बड़ा उदास था।
तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कल भी वे, कल तो नहीं, कल का कार्यक्रम मृदुला जी आज देख पाई, और हमारे एक और मित्र मुखर कविता जी लिख रही हैं, फिक्शन है अतः संस्मरणात्मक कहानी। तो अपने ढंग से लोग इसको खांचाबद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, फिक्शन है अतः संस्मरणात्मक कहानी। कुछ कहना चाहेंगी? एक बात कहना चाहूंगी कि देखिए, लेखक जो है अपने कलम से बहुत सारी पाबंदियां और जड़ता को तोड़ता है, तो कभी कभी बिना विधा के भी तो आप कुछ लिख सकते हैं जिसका कोई नाम ना हो। एक सफर पे, दिमागी सफर पे तो जा सकता है ना वो, क्योंकि कभी कभी तजर्बे आपको एक अलग तरह से एक्सप्रेशन की दुनिया में ले जाते हैं, जहां शब्दों से आप अपने वो जज्बात कहें जो आपके दिमाग में कहीं पे रहते हैं, जो हकीकत नहीं होने के बावजूद आपकी ख्वाहिशें रहती हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये कहानी नहीं है, वृत्तांत नहीं है, फला नहीं, लेकिन एक खूबसूरत पीस निकल के आया है जो बहुत सारे दिलों की तर्जुमानी कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि सब कभी ना कभी सोचते हैं। मुझे याद है कि मेरे घर में मेरी माँ आई हुई थी और बाहर बैठी हुई थी, तो जेनियो तो समझिए पूरा बाग ही था। तो उन्होंने एकदम से एक बात कही थी जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। बोली, मैं अक्सर सोचती हूँ कि इन सारे पेड़ों पे अगर फल लगे होते तो क्या होता। तो आदमी कभी कभी अपनी खुशियां एक अलग तरीके से भी बटोरता है ज़हनी तौर से, वरना तो जिंदगी में दुख है, परेशानी है और बहुत सारी उलझने हैं। जी, और एक प्रतिक्रिया हम और ले लें। मृदुला जी ही लिख रही हैं, यूटोपिया का आजकल रिवाज नहीं रहा, पर उसके बगैर जिंदगी के कोई मानी नहीं है। आपने मेरा मन भी सरस कर दिया जो बहुत दुखी था। निश्चय ही जी, मैं समझ सकती हूँ कि मृदुला जी का मैसेज आया था, तो मैंने कहा था मैं कल खुल के आपसे बात करूंगी। और मृदुला जी से मेरा बहुत ही इंटेलेक्चुअल साथ रहा है। हम लोगों ने बहुत अच्छा टाइम दिमागी तौर से गुजारा है और बहुत सारे मुद्दों पे बात होती रही है। तो मुझे लगता है कि मृदुला जी मेरी राइटिंग से वाकिफ भी हैं और थोड़ा बहुत वो समझती भी हैं कि कब क्या और कैसे एक लेखक अपने को एक्सप्रेस करता है अपनी राइटिंग के जरिए। और मुखर कविता जी एक और तथ्य यहाँ पर रख रही हैं, बेहद प्रसंगानुकूल। वे लिख रही हैं, राजस्थान में बात कुछ ऐसा ही होता है। वे एक विधा की बात कर रही हैं, राजस्थान में बात कुछ ऐसा ही होता है। हाँ, क्यों नहीं होता है, तभी तो मैं इसको एक्सप्रेस कर पाई। सिर्फ ज़हनी कैफियत तो नहीं है, इस तरह के बाग, इस तरह के जंगल, सब कुछ है। और खासकर जो शिलोंग का रास्ता है, समझिए कि ये पूरा नॉर्थ ईस्ट है। जब आप उस सड़क से गुजरते हैं तो ये जो हरियाली इसमें मैंने दिखाई है वो मिजोरम की है। मिजोरम में इतने शेड हैं, हरे इतने हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। और वो पूरा एरिया खुद लगता है कुदरत ने एसी लगा रखा है। मतलब कोई भी बीमार आदमी जो मानसिक तरीके से बहुत थका और परेशान है, वो मिजोरम में गया तो उसकी वादियां, घाटियां देख के मतलब वो बहुत ही ज्यादा जहनी तौर से बदल जाएगा। तो ये सब देखा है, उसके एक्सप्रेशंस हैं, और उसको देख के मैंने महसूस भी किया कि काश सब कुछ ऐसा हो जाए। जी हाँ, और हमारे साथ एक और साथी जुड़े हुए हैं, मीनाक्षी मेनन जी जुड़ी हुई हैं। जी वे लिख रही हैं, डेफिनेटली डियर मैम, इमोशंस एंड मेंटल प्रोजेक्शंस
can't be given name always. बहुत माकूल प्रतिक्रिया जी, और तमाम साथीगण जुड़े हुए हैं। मैं कुछ एक के नाम ले लूं, मसलन अंजू, कल्याणवत जी, मुखर कविता जी, उषा किरण खान जी, हिमांशु राज राजा जी, पद्मा त्रिपाठी जी, बंकिम जी, अंजना अग्रहरी, मृदुला गर्ग जी, नीलिमा शर्मा जी, अंशुमति, प्रत्यक्षा जी, मधु मेहता, मीनाक्षी मेनन, रश्मि पाठक, आदित्य कुमार राय, शहनाज फातमी, सनोवर, सिद्धार्थ सेतिया और तमाम मित्रगण, कुछ एक के नाम अर्चना निगम जी, संभव है कुछ एक के नाम छूट भी रहे हूं। अगर किन्हीं मित्र की का कोई प्रश्न हो तो उसे भी यहाँ पर रखा जा सकता है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मुखर कविता जी लिख रही हैं, आलोचकों के लिए जबरदस्त चुनौती जी। और मित्रों, इसे सुनते हुए और इसे पढ़ते हुए इसमें कई ऐसे पोएटिक एक्सप्रेशंस हैं जिनकी ओर भी ध्यान जाता है। तो गद्य में जो ये कविताई है इसे भी हम नाशरा शर्मा जी के लेखन में देखते हैं। मैं पहले इसी अध्याय से कुछ हिस्से पढ़ता हूं जिनमें पोएटिक एक्सप्रेशंस बड़े ही शिद्दत से आए हैं, और उसके बाद इस पर बात करते हैं रचनाकार से। शुरुआत में ही एक हिस्सा है, हमको आसमान की बदलती कैफियत का नजारा दिखाने लगा। दिल्ली लौट नहीं सकता था, जहाज की बात हो रही है, जहाज आकाश पर चक्कर लगाता रहा, दिल्ली लौट नहीं सकता था, हमको आसमान की बदलती कैफियत का नजारा दिखाने लगा। महसूस हुआ जैसे नारंगी शरबत का बड़ा सा जग फूट कर पूरी वादी में फैल गया हो। सूरज का माथा किसी शरारती बच्चे की तरह क्षितिज की दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। मित्रों, यह मुकम्मल कविता है। सूरज का माथा किसी शरारती बच्चे की तरह क्षितिज की दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। ऐसे ही एक दो हिस्से और पढ़ता हूं और नासरा जी के पास चलते हैं। एक जगह यह बात आती है जहां धनिया और पुदीने की बात हो रही है, और जिसकी बात अभी नासरा जी ने की कि मिजोरम का जो वह हरापन है और उस हरेपन के जाने कितने शेड्स हैं, वह भी वहां भी कविता संभव हुई है इस गद्य में। वे लिखती हैं, इतना हरा रंग मैंने पहली बार मीलों तक फैला देखा था, जिसमें तरह तरह के शेड्स थे जो किसी लय की तरह गुनगुनाते से महसूस हो रहे थे। कार बहुत धीमी गति से, या फिर कहना चाहिए कि रेंगती हुई खेतों के बीच में से निकली मांग जैसी पगडंडी पर होती गुजर रही थी। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि इस मुल्क का नाम ख्वाबिस्तान क्यों पड़ा है। तो ऐसे कई हिस्से हैं जहां इस तरह की बात आई है। तो गद्य में यह जो पद्य का आनंद है और इसको रचने की जो कैफियत है, इस पर कुछ कहें नासरा जी। इस कैफियत को मैं क्या कहूं, ये खुदा की देन है, कोई शक्ति है जो आके बैठ जाती है, लिखवाती है। कोई प्लानिंग नहीं रहती कि मैं इन शब्दों का चुनाव करूंगी, और मेरे ख्याल से हर राइटर के साथ ऐसा होता होगा कि एकदम से कहीं कोई चीज आ जाती है। बहुत सारे किरदार मैंने उठाए हैं जिनका दूर दूर मतलब कोई रिश्ता ही नहीं रहा, लेकिन आ जाते हैं वो। तो ये भाषा मेरे ख्याल से
क्या कहूं मैं, कुछ नहीं कह सकती हूँ। बहुत अजीब अजीब शब्द कभी कभी आ जाते हैं जो बहुत पहले बोले गए हैं घर में, तो उनको भी मैं लाने देती हूँ अपने लेखनी में, क्योंकि शब्दों को हम क्यों मुर्दा छोड़ दें। बहुत सारी भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं, उनका इस्तेमाल बदलता है, लेकिन अब इस एज में आके अगर पुरानी यादें हैं हमारे पास और कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ खूबसूरत एक्सप्रेशंस ऐसे हैं, उनको मैं ले आती हूँ, ले आती हूँ कि वो फिर से जिंदा हो मेरी लेखनी के जरिए। बहरहाल यहाँ तो बहुत सादी भाषा है मेरी, लेकिन लाती हूँ मैं बिना किसी खौफ के कि लोग समझ पाए या ना समझ पाए, लेकिन उनको मैं जिंदा रखना चाहती हूँ। और जब आप यह बात कर रही हैं तो हमें आपका उपन्यास जिंदा मुहावरे भी याद आता है, जिसके नामकरण में भी कैसे भाषा और यथार्थ का एक अद्भुत समन्वय है, और जिसे आपने स्वयं अपनी भूमिका में वो लेखित भी किया है। जी मित्रों, अब हम लोग कार्यक्रम के अंत की ओर क्रमशः बढ़ रहे हैं, और एक बात और यहां पर कर ली जाए, एक चर्चा जैसी एक बात, और हमारे कोई साथी इस बात को लिख भी रहे थे, मुखर कविता ही लिख रही थी, मन घुन्ना होना अपराध वाकई। और यह एक बड़ा रोचक प्रसंग है मन घुनने का, कि भाई यह कैसा अपराध है, और इसको ट्रेन में ले चलो, ये लोगों के बीच रहेगा, बातचीत करेगा, तो यह प्रसंग अपने आप में बेहद मनोरंजक और उतना ही संगत, उतना ही मौजू कल्पना है, उसका प्रयोग है। तो इसके बारे में कुछ कहें, बड़ा ही अद्भुत यह हिस्सा है जिससे यह पूरा संस्मरण, या जो भी कहिए इसको, हम विधा में नहीं बांटते हैं, यह पूरा अध्याय अलग से खिल उठता है मन घुनने के उस पूरे प्रसंग में। इस पर कुछ कहें। मुझे लगता है मन घुनना वाकई अपराध है, इसलिए कि जो एक्सप्रेशंस मैंने उसमें दिए हैं कि अगर आप अपनी बात कह ना सकें, अपनी शिकायत दर्ज ना कर सकें, अपनी खुशी दिखा ना सकें, तो आप कैसे इंसान है भाई। यहाँ तक कि मैं कहती हूँ कि खूब गुस्सा भी इंसान को दिखाना चाहिए, कोई चीज दिल में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगला स्टेप उससे खुलता है। अक्सर मेरी बहस और कुछ लोगों से किसी किसी चीज पे कुछ बात ऐसी हुई, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अगला स्टेप में उन्होंने मुझे ज्यादा समझा, मैंने उन्हें समझा, और दोस्ती बहुत गहरी हो गई। क्योंकि ये चीज टूटन की निशानी नहीं है, ये निशानी है जुड़ने की। और हम राइटर्स तो एक्सप्रेशंस के पीछे ही रहते हैं, तो मन घुनना तो बहुत ही खतरनाक है। और हम लोग कहते भी हैं कि अरे ये बड़ा मन घुनना आदमी है, ये देखो ये है, तो कॉमन उसमें भी जो मुहावरा है उसमें भी नहीं पसंद करते हैं। और ज्यादातर लेडीज को शिकायत है कि मर्द बोलते नहीं है। शालमली में मैंने लिखा ही है कि भाई जवाब दो, तो रमेश नरेश कहता है कि मुझे खुद नहीं पता मैं क्या जवाब दूं, तो यही कह देता तो सुकून हो जाता शालमली को। तो मन घुन्ना होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। जी बिल्कुल। और आज जब डिप्रेशन का के शिकार कई लोग मिल जाते हैं, या डिप्रेशन मात्र में इस महत्वपूर्ण जीवन को नष्ट करने पर उतारू हो जाते हैं, ऐसे में संवाद के साथ कैसे उनको मुख्य धारा में लाया जा सकता है, संवाद प्रियता का कितना महत्व है, पर उसके बरक्स जब संवादहीनता की स्थिति आती है, चाहे तकनीक के अधिकतम प्रयोग के कारण हो, या आभासी दुनिया में कुछ ज्यादा ही बुरे ढंग से लिप्त हो जाने के कारण हो, या संयुक्त परिवार का विघटन देखें, या मोहल्लों की उस तरह की आपसदारी का कमना देखें, जो भी कारण हो, मगर
इस तरह से मन घूमने को लेकर यह पूरा प्रसंग रचना और उसके प्रतिरोध में संवाद को स्थापित करना मुझे लगता है कि एक लेखक की बड़ी सजगता भी है और आज के दौर में तो यह एक बड़ी जरूरत भी है। मित्रों चलते चलते जी माफ कीजिएगा आपकी आवाज जी अब बोल में आया कहीं सुना ही होगा मैंने कि ये बोलिए ना, मतलब उस अवधि भाषा में ये बोलिए ना, अगर बोलेंगे तो कानून ना बन जाए, मतलब उनके बोलने से कानून बन जाएगा इसलिए चुप है। तो हम लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम और बहुत ज्यादा दो मुहापन तो नहीं कहूंगी लेकिन मसलहत जो होती है वो बड़ी खतरनाक होती है। सही बात को सही ना कहना, गलत बात के वक्त इस तरह शो करना कि मैं तो कुछ जानता नहीं, बहुत सारी बुराइयां इससे वजूद में आती हैं। तो कविता ने इस बात को उठा के मौजू को और खोल दिया है, ये अच्छा लगा जी। और एक सवाल और आ गया है संवाद को लेकर, या कई बार लेखक लोग अपने ही भीतर कई और समस्याओं से गुजर रहे होते हैं जिसे हम राइटर्स ब्लॉक की बात करते हैं। नीलिमा शर्मा जी का प्रश्न है, राइटर्स ब्लॉक से कैसे निकला जाए, आप इस पर भी कुछ कहिए। क्या चीज लिखा जाए? राइटर्स ब्लॉक जो होता है, कई कई समय तक हम कुछ नहीं लिख पाते, जो लेखकों के साथ यह अच्छा, समस्या आती है जी, राइटर्स ब्लॉक जी। मुझे लगता है ये सबके साथ होता है, उस वक्त खूब एंजॉय करना चाहिए, खूब घूमना चाहिए और ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, क्योंकि जानते हैं लेखन की दुनिया भी तो सूखती है, इंक खत्म होते हैं, पेन में आप इंक भरते हैं या दावत में इंक खत्म हो जाती है, बॉल पॉइंट जो है वो लिखते लिखते ख़त्म हो जाता है। उसी तरह इंसान को अपने अवलोकन से, यात्रा से, मिलने जुलने से फिर से कुएं में पानी आ जाता है मीठा। तो ये एक तरह का स्पेस है जिसे कहते हैं सिटी लंग्स, जिस तरह से थोड़ी थोड़ी दूर पे पेड़ों के झुंड होते हैं और किसी सिटी के लिए वो सिटी लंग्स कहलाते हैं कि ताज़ा हवा और माहौल अच्छा रहे, उसी लिए मुझे लगता है कि ये एक राइटर के लिए भी होना है। क्योंकि अगर आप लगातार लिखिएगा तो या तो आप अपने को रिपीट कीजिएगा या आपकी भाषा मरी हुई निकलेगी, और या फिर आपके पास कुछ भी पाठक को देने के लिए नया नहीं होगा। तो ये बहुत जरूरी है, इसको तुम ब्लेसिंग समझो और खूब इंजॉय करो नीलमा। और चलते चलते जी इसी पर मीता दास जी की प्रतिक्रिया आ रही है, सही कहा आपने, राइटर्स ब्लॉक में घूमना चाहिए। बहुत खूब। और नीलिमा जी शुक्रिया आपको दे रही हैं, शुक्रिया कह रही हैं। और मित्रों इस अवसर पर हमने, आप में से कई लोग जान ही रहे हैं कि हमने जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से ही एक जनसुलभ कहन कोश जैसा उपक्रम भी चलाया है और उसमें हम विभिन्न पुस्तकों पर, चाहे वे किसी भी विधा की हो, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों को रखते हैं, अलग अलग अवसरों पर, रचनाकारों से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण अवसरों पर। आज आप देख रहे हैं कि इसी अध्याय से जुड़े हुए दो अंश जिसको हमने सुने और जो बेहद महत्वपूर्ण है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह ख्वाबिस्तान में गुजारा एक दिन का आरंभिक अंश है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और यह परवर्ती अंश है जिसमें कुछ खास बातें की गई हैं। ये दोनों ही अंश यादों के गलियारे से लिए गए हैं। तो आप सभी मित्रों से अनुरोध कि आप इससे भी जुड़ें और हमारे साथ आप ऐसे ही बने रहें।
पद्मा त्रिपाठी जी कह रही हैं, मैं हम ना बोलीबे भी कहते हैं अवधि में, हम ना बोलीबे जो अवधि की बात हो रही थी उस पर कह रही हैं हम ना बोलीबे। और मीनाक्षी मेनन जी की प्रतिक्रिया आ रही है, हाउ ब्यूटीफुली यू डिस्क्राइब्ड इट, थैंक्स अलॉट, राइटर्स ब्लॉक को लेकर। और इसी तरह से ना मीता दास जी लिख रही हैं, नासिरा आप आपको सुनना अपने आप में उपलब्धि है। और तमाम मित्रगण जुड़े हुए हैं और आपको सुनना चाहते हैं, मगर मित्रों समय की सीमा है और काफी वक्त भी हो गया है, तो मुझे लगता है कि आज की यह चर्चा एक महत्वपूर्ण और सारगर्भित चर्चा रही, आप सभी लोग जुड़े, अच्छा लगा। नासिरा शर्मा जी इस अवसर पर पधारी और इतने अच्छे गद्य के साथ आई, हमें सुनाई, और इसके बहाने कई और महत्वपूर्ण बातें हो सकी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। अर्पण आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और उन सभी मेरे दोस्तों का शुक्रिया जो आज आए, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे ख्याल से मेरी बेहतरीन सालगिरह जो थी इस साल मनाई गई अरसे बाद। जी जी हमें अच्छा लगा, अभिनंदन, और फिर मिलते हैं, तमाम मित्रों को और आपको धन्यवाद, शुभ रात्रि।